वैक्सीन से जुड़े हुए तीन अपडेट्स आप सबके साथ वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। थर्ड अपडेट सच में काफी अच्छा और काफी कमाल है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। दोस्तों अभी के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होना कि आपको प्रायर जो है वो कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो आपकी बॉडी में कितने लेवल तक जो है वो इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडीज जनरेट की, क्योंकि वही एंटीबॉडीज आपको 5 से लेकर 7 महीने तक फिर से इन्फेक्शन से बचाए रखते हैं। ये जानने के लिए कोई स्वैब टेस्ट आरटीपीसीआर रैपिड टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल एक ब्लड टेस्ट करवाना है, इसका नाम है कोविड एंटीबॉडी टेस्ट। आप कहीं से भी बुक कर सकते हो, क्या आपको घर बैठे बैठे 10% डिस्काउंट पे करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, बुक कर लो। घर से फ्री में सैंपल कलेक्ट होगा, ईमेल पे आपको विद इन 48 आवर्स रिजल्ट जो है ना वो मिल जाएगा। अभी के टाइम में हम सभी को ये टेस्ट कंसिडर करना चाहिए। आगे बढ़ते पहले अपडेट की तरफ जुड़ा हुआ है दिल्ली के साथ। दिल्ली में जो है ना सिचुएशन डे बाय डे बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव रेट जो है ना वो बढ़ के 15% हो गया है। इंडिया की बात करें तो ये जो पॉजिटिव रेट है वो 5 के आसपास है, यहाँ पे दिल्ली में 15 के आसपास। आसान भाषा में जब 100 लोगों का कोरोना टेस्ट होता है तो उसमें से 15 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये नंबर काफी ज्यादा है, ऐसे में केसेस भी जो है ना वो काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते सेकंड अपडेट के साथ जुड़ा हुआ स्विट्जरलैंड के साथ। यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने फाइनली जो है वो वैक्सीन के रोलिंग रिव्यूज स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि रोलिंग रिव्यू क्या है, नहीं पता है तो बता देता हूँ कि यहाँ पे पैरेलल जो है ना मेडिकल बोर्ड जो स्विट्जरलैंड के उससे भी डेटा मिलता रहेगा। जैसे कि आज 50 लोगों को वैक्सीन के डोजेस मिलेगा तो 50 लोगों को एग्जैक्टली क्या हुआ वो इंस्टेंट टाइम पे रियल टाइम पे जो है वो मेडिकल बोर्ड को पता चलता रहेगा, ताकि जब वैक्सीन के ट्रायल्स कंप्लीट हो जाए तो रिव्यू के लिए एक्स्ट्रा टाइम जो है वो ना लगे। ये चीज इंडिया में नहीं हो रही है, इसकी वजह से जब कोई भी वैक्सीन के ट्रायल्स कंप्लीट हो गए उसके पूरा डेटा मेडिकल बोर्ड को सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद वो सारे चीज को रिव्यू करेंगे, उसी के बाद आगे प्रोसेस जो है वो जाएगी। अब देखते हैं इंडिया में ये स्टेप जो है आने वाले फ्यूचर में लिया जाता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं लास्ट अपडेट के, सच में काफी अच्छा है जुड़ा हुआ है स्पुतनिक वी वैक्सीन के साथ। मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया था कि स्पुतनिक वी के डोजेस जो है ना फाइनली इंडिया में आ चुके हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के पास। ऐसे में जो है फाइनली वो डोजेस कानपुर में भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां पे जो गणेश शंकर विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज है वहां पे फेज 2 एंड फेज 3 के ट्रायल्स कंडक्ट होने वाले हैं, जिसमें 180 लोगों को वैक्सीन के डोजे लगेंगे और शायद से रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है। आप यहां पे रहते हो नियर बाय तो वहां पे जाके विजिट करके पूछ सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। ऐसे में यहाँ पे ये वैक्सीन के ट्रायल्स जो है ना मोस्ट प्रोबेबली यही वीक में स्टार्ट हो जाएंगे या फिर नेक्स्ट वीक में, तो अच्छी बात है। मेरा अजम्पशन था दिसंबर में, वो गलत हुआ और नवंबर में ही उसी के ट्रायल्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ये वैक्सीन जो इंडिया में आई है उसे स्टोर करने के लिए -20 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए, ये भी ज्यादा है लेकिन -20 पे काम चल जाता है, इसलिए अभी के लिए तो ये अच्छा ऑप्शन ही होगा। आशा रखता हूँ आज के 3 अपडेट्स आपको पसंद आए होंगे। आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।